तो आज हमारा सेशन बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आज के सेशन में हम यहाँ पे सारे सिलेबस को यहाँ पे कंक्लूड करेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको जो है पढ़नी है, ठीक है, किस तरीके से प्रश्न आता है, किस तरीके से जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक पैटर्न जो है वो फॉलो किया जाता है। पिछले 8 से 10 सालों के पेपर को मैं एक कम्बाइनेशन में मैं कोशिश करूँगा कि बहुत कम समय में समझा पाऊँ कि किस तरीके से आपको पढ़ना है और क्या क्या एरिया कवर करना है। उससे पहले मैं सजेशन देना चाहूँगा, ठीक है, कि सारे सिलेबस जो है, सारे आपके जो एक चीज़ें हैं PDF में बनाकर तैयार कर दिया गया है। आज लास्ट डेट है, ठीक है, आज रात 12 बजे तक जिन लोगों ने, देखिए यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 76 लोगों ने लॉगिन किया है स्टॉक से, ठीक है, उनमें से मुश्किल से 2 से 4 तक उन्होंने कंप्लीट किया है प्रोसेस। मैंने बताया था कि 2 से 4 मिनट का प्रोसेस होता है, उसको आपको कंप्लीट करना है, ठीक है, जिसमें से एक वैभव सिंह है और एक कोई शुक्ला करके हैं और एक कोई यादव करके हैं, ठीक है, मैं उनका नाम भी दे दूँगा। बाकी वो अगर चाहेंगे तो आप मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, हमारा एक व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगा, उस लिंक पर आप क्लिक कीजिएगा, उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जो भी डिस्कशन होता है उस पर आप डिस्कशन कीजिए, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी कि आप लॉगिन करेंगे जैसे सक्सेसफुल होता है वैसे ही यहाँ पे हमारी तरफ दिखा दिया जाएगा अंडर प्रोसेसिंग में है, और जैसे अंडर प्रोसेसिंग में आता है यानी 5 से 6 मिनट के अंतर्गत मुझे पता चल जाएगा, तो उसके बाद से जो है जो सारी चीज़ें हैं, जो सारी PDFs हैं, जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपको शेयर कर दी जाएंगी, ठीक है। तो आज रात 12 बजे से पहले अगर आप कर लेते हैं तो आपको लास्ट चांस है दिया जा रहा है, ठीक है। आप स्टॉक पर क्या करना है, डेफिनेटली जो दिया गया लिंक है उसी पर क्लिक करना है, ठीक है, किस तरीके से खोलना है उसका भी एक लिंक दे दिया जाएगा, उसको भी देख लीजिएगा, लेकिन लिंक जो है इसी लिंक से डाउनलोड करना है। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे उस पर क्रिएट ए न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है, इसके बाद अपना नाम डालना है, ठीक, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अपना पैन कार्ड नंबर डालना है, इसके बाद अपना नाम शो करेगा आपका, उस पर ओके मार देना है। देखिए अगर आपके पास पैन कार्ड नंबर नहीं है तो आप अपनी फैमिली में माता पिता, ठीक है, या कोई भाई बहन होंगे जिनके पास पैन कार्ड होगा, ठीक है, इसमें लगता क्या है, एक पैन कार्ड लगता है, एक अकाउंट नंबर लगता है, अकाउंट नंबर आपका, ठीक है, जिनका है, इसके साथ साथ में एक आधार नंबर लगता है, ठीक है, आधार वेरिफिकेशन होगा जिससे लिंक होगा उसी पर OTP आता है। इसके बाद ये 3 चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं, मुश्किल से 8 से 10 मिनट का प्रोसेस है, ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। इसके बाद जो चीज़ें हैं वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी, ठीक है, जिसका लिंक आपको दिया गया है आज रात 12 बजे तक, ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान समझनी है। दूसरी चीज़ कि जैसे आप यहाँ पे करेंगे उसके बाद आपको सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड करा दूँगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है, आज रात को ही मैं जो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है उसी पर जो है आप उसको शेयर कर दीजिएगा, मैं क्या करूँगा सारी चीज़ें शेयर कर दूँगा और अपनी तैयारी आप यहाँ पे कर लीजिएगा। देखिए रीजनिंग की मैं बात करूँ, रीजनिंग के जो है प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं, तो रीजनिंग का सिंपल प्रोसेस है कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे, मैं सिर्फ वो चीज़ें कवर करने की कोशिश करूँगा जो कि आपको चीज़ें समझनी है कहाँ कहाँ से क्या चीज़ें पढ़नी है। देखिए पहले तो आपको राष्ट्रीय आंदोलन संबंधित कुछ प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व कर लेना है, मैं GK की बात करूँ, ठीक है, जिसमें आपके गांधी से संबंधित कुछ प्रश्नों को, आप जैसे असहयोग आंदोलन कब आया था, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, ठीक है, राष्ट्रगान भारत में कब आया था, संविधान से संबंधित जैसे कि समाजवाद पंथ निरपेक्ष की संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, या फिर किस तरीके से जो है बलसावा संविधान जो है उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, तो इसमें पूछ सकता है कि जो है छोटा संविधान किस अनुच्छेद को जाना जाता है, ठीक है, किस संविधान संशोधन को जाना जाता है। इसी तरीके से मूल अधिकारों का जब आपके हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक, इस तरीके से आपको बताया जाएगा, ये चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है, ये चीज़ें क्राइटेरिया होता है। इसके बाद आप पूछ लेगा कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, या फिर पूछ लेगा कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, इस तरीके से वायसराय पूछ सकता है, ठीक है, वायसराय देख लीजिएगा, ये चीज़ें हो गई। अब नदियों को पूछ सकता है कि जो है ब्रह्म नदी जो है, या फिर तमाम प्रकार की जो गंगा नदी है उसे बांग्लादेश में किस नाम जाना जाता है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी उसको बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, किस ग्लेशियर से निकलती है, ये चीज़ें पूछ सकता है, ठीक, साथ ही साथ में सिंधु चिनाब और रावी व्यास जो सतलज, 5 नदियाँ हैं पंजाब जिसे कहते हैं, ठीक है, 5 नदियों का देश, 5 नदियों का राज्य, तो इस तरीके से पूछ सकता है कि कहाँ से उसका उद्गम, ठीक है, मानसरोवर को याद रख लीजिएगा। इसके साथ ही साथ में कुछ राज्यों की राजधानी और कुछ देशों की करेंसी, जैसे कि जापान की करेंसी क्या है, चाइना की करेंसी क्या है, आई होप कि इन सभी का आंसर अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा, ठीक है। इसके साथ साथ में आपको पूछ लेगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ रेखा है, ठीक है, अफगानिस्तान और भारत के बीच में कौन सी रेखा है, डूरन रेखा है, ठीक, साथ ही साथ में भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखाएं हैं, तो वो मैकमोहन रेखाएं हैं, इस तरीके से पूछ लेगा। या फिर पूछ सकता है कि ऐसा कौन से राज्य हैं जो नेपाल से जो है साझा करते हैं, ठीक, तो उसमें आपको 4 ऑप्शन दे देगा, या फिर बंगाल से पूछ सकता है, या फिर चाइना से पूछ सकता है, या फिर पाकिस्तान से भी पूछ सकता है।
ठीक इस तरीके से पूछ सकता है, या यह भी पूछ सकता है कि आपका जो कर्क रेखा जो होकर गुजरती है भारत के बीचों बीच से, वो किन राज्यों को होकर गुजरती है। ठीक है, तो इनमें जो है 8 राज्य हैं, आपको पता ही होगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इस तरीके से आपने याद भी किया होगा, असम, ठीक है, असम नहीं टच करती, बाकी यहाँ पे मिजोरम जो टच करती हैं, 8 राज्य उसको आपने याद किया होगा, पश्चिम बंगाल, ठीक है, इस तरीके से आपने कोटेशन में भी याद किया होगा, जो कि हमने डिस्कशन भी कराया था। इसके बाद जो है ये जीके जीएस का हो गया, ठीक है, भूगोल का हमने देख लिया, इसके बाद हमने क्या देख लिया, इतिहास का देख लिया। इसी तरीके से अन्य प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि इस बार जो है कोविड से संभावना है प्रश्न जो है बनेगा, तो कहाँ से आया था, वुहान शहर था चीन का जो है, वहाँ से पहला केस कहाँ पर देखा गया था, केरल में देखा गया था, इस तरीके से आप देख सकते हैं। कोविशील्ड और कोवैक्सीन से संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, कुछ ग्रुप्स हैं जिनसे यहाँ पर पूछा जा सकता है, जैसे सार्क हो गया, ठीक है, जिनका भारत सदस्य है, G7 कंट्री हो गई, ठीक है, अस्थायी सदस्य के रूप में कौन है, अस्थायी सदस्य के रूप में कौन सा है, तो इस तरीके से प्रश्न जो है वो तैयार किए जा सकते हैं। इसके साथ ही साथ में पूछ लेगा जो रिलेशन है, ठीक है, जो अभी हुआ है राफेल से संबंधित, यहाँ पे प्रश्न आप यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा। इसके साथ साथ में कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण कई बार जो है पुस्तकें दी जाती है, जैसे रामचरितमानस का जो है रचयिता कौन है, ठीक है, वाल्मीकि से संबंधित यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इस तरीके से आप यहाँ पे प्रश्नों को यहाँ पे कवर कर सकते हैं। तो एक ह्यूज जो कहते हैं कि एक नॉर्मल जो एक 12th पास स्टूडेंट से या फिर एक ग्रेजुएशन जो कर चुका है उससे जो एक्सपेक्ट किया जा सकता है, वही सेम पैटर्न यहाँ पर फॉलो किया जाता है, ठीक है, इसके बहुत ज़्यादा बाहर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यही चीज़ें जो है वो बार बार चीज़ें जो हैं पूछी जाती है, रिपीट प्रश्न होते हैं, बाकी इनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी वहाँ पे आपसे पूछ लिया जाएगा कि जैसे कि आपके कई घास के मैदान हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में कौन से नाम से जाना जाता है उस घास मैदान को, ठीक है, बाकी कर्क रेखा से, मकर रेखा से और विषुवत रेखा से जो है ज्योग्राफी में पूछ सकता है, जो इसका क्राइटेरिया है जो कि बार बार रिपीट प्रश्न हुआ है वो वही मैं चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है, आप देखेंगे तो वही चीज़ें जो है कहीं ना कहीं तरीके से किसी न किसी तरीके से वही प्रश्न जो है बार बार पूछे जाते हैं। अब पूछ लेगा कि लिम्पोपो जैसे नदी है साउथ अफ्रीका में, तो यह क्या करती है, ये जो है मकर रेखा को आई थिंक ये दो बार काटती है, ठीक है, कर्क रेखा या फिर भूमध्य रेखा या फिर मकर रेखा को ये दो बार काटती है, एक बार देख लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। और सबसे लंबी नदी की पूछ लेगा नील नदी है, इसके बाद अमेजन नदी है दूसरे नंबर पर, सबसे स्वच्छ जल की नदी कौन सी है, इस तरीके से जो है प्रश्न तैयार किया जाता है। बाकी मैं बात करूं कि इसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में आपको जो है जाने की ज़रूरत नहीं है, यही सब चीज़ें जो हैं वो बार बार पूछी गई हैं और यही चीज़ें जो हैं रिपीट होती हैं। ये भी पूछ सकता है कि जैसे कि संविधान से संबंधित अगर पूछा जाए कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, भारत का राष्ट्रपति से संबंधित पूछ सकता है, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से संबंधित पूछ सकता है, उत्तर प्रदेश में जो है यहाँ पे पूछ सकता है कि लोकसभा की कितनी सीटें हैं, ठीक है, और विधान परिषद की कितनी सीटें हैं, विधानमंडल की कितनी सीटें हैं, इस तरीके से पूछ सकता है। बाकी पूछ सकता है आपका जो है जो नीति आयोग है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन जो है इंस्टीट्यूशन, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजिकल, यहाँ पे कुछ इसी तरीके से था, ठीक है, नीति आयोग का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा एक बार। और इसका योजना आयोग का जो है एक आई थिंक जनवरी 2015 में इसका नाम चेंज किया गया था, योजना आयोग पहले था, इसके बाद इसके अध्यक्ष के रूप में पूछा जा सकता है, तो इसके अध्यक्ष वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो इसका अध्यक्ष जो होते हैं नीति आयोग के वो प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, वर्तमान समय में अगर पूछा जाएगा तो कौन है वर्तमान समय में, तो नरेंद्र मोदी हैं, ठीक, इस तरीके से आप यहाँ पर इसको ध्यान रख सकते हैं। बाकी कई चीज़ें हैं, क्राइटेरिया हैं, जैसे संविधान से संबंधित पूछ सकता है, ठीक है, इसके बाद नगरपालिका नगर पंचायत संबंधित है कि 9A शेड्यूल में रखा गया है, कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था और किस सन में किया गया था, पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया था, और बलवंत राय मेहता संबंधित यहाँ पे आप याद रख सकते हैं, ठीक है, इन्हीं के अनुशंसा पर जो है ये लाया गया था, इस चीज़ को आप यहाँ पर डिस्कशन कर सकते हैं। इसी तरीके से ये भी पूछ सकता है कि भारत का जो संविधान है वो क्या है, कठोर है या फिर लचीला है या फिर दोनों का मिलाजुला रूप है, तो दोनों का मिलाजुला रूप है। सबसे लंबा संविधान, लिखित संविधान पूछ सकता है, तो वो किसका है, वो भारत का है, ठीक है। वही इसी तरीके से पूछ सकता है कि विश्व में सबसे पहला संविधान किसका आया था, ब्रिटेन का आया था कि अमेरिका का आया था कि भारत का आया था कि रसिया का आया था, ये आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा, ठीक है। इसी तरीके से पूछ सकता है कि भारत का जो संविधान है वो अधिकतम किसके अंतर्गत जो है लिया गया है, जो अधिकतर चीज़ें, तो 1935 का जो भारत पैक्ट था, भारत जो है अधिनियम था, उसी के अंतर्गत सारी चीज़ें शामिल की गई है। इसी तरीके से आपसे पूछ सकता है कि जो मूल कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है, वो किस देश से लिया गया है, मूल अधिकार की जो है सद्भावना वो किस देश से ली गई है, ठीक है, फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित यहाँ पे पूछ सकता है। बाकी पूछ सकता है कि आपके जो है कितने जो है आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, मतलब कि कितने मौलिक अधिकार आपके यहाँ पे संविधान में दिए गए हैं, ठीक है,
इस तरीके से आप यहाँ पे याद कर सकते हैं, जैसे 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि संपत्ति का अधिकार किसके अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत, ठीक है। और तमाम प्रकार की चीज़ें जो हैं इसी तरीके से जो घूम फिर के वो पूछती हैं, जो कि मैं बता दूँ कि यही इनका क्राइटेरिया होता है और इन्हीं से जो चीज़ें बार बार जो है पूछी जाती हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे प्रश्नों को यहाँ पे एक कंक्लूड कर सकते हैं, एक कंक्लूड वे में जो है समझ सकते हैं कि यही चीज़ें हैं जो कि बार बार पूछी जाती है। बाकी मुझे जो चीज़ें जहाँ तक मैंने पेपर को सॉल्व कराया है और जहाँ तक मैंने 10 साल का पेपर एनालिसिस किया है, जो हमने तैयार किया है वो आपको मिल ही जाएगा और ये चीज़ें सारी कंक्लूड की गई हैं उसमें, ठीक है। आप उस पर पूरी चीज़ें तैयारी कर सकते हैं। बाकी ये चीज़ें जो भी मुझे याद आती हैं बीच बीच में, जो कि जो पूछा गया है एंट्रेंस एग्ज़ाम में, बाकी पूछ सकता है कि आपसे जो है वेद से संबंधित यहाँ पे प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। वेद और पुराण, वेदों में क्या पूछ सकता है, जैसे ऋग्वेद सबसे पुराना कौन सा वेद है, तो ऋग्वेद है, ठीक है। यजुर्वेद में किसकी बात की गई है, अथर्ववेद में किसकी बात की गई है, ऋग्वेद के अंतर्गत किसकी बातें की गई है, जादू टोना टोटका किसके अंतर्गत आता है, किस वेद के अंतर्गत आता है, ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है, ठीक है। तो ये जो है प्रश्न क्रिएट किए जा सकते हैं। वहीं अगर बात किया जाए तो महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, बोधगया में हुई थी, कहाँ पर हुई थी, इस तरीके से आप यहाँ पे याद कर सकते हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म से संबंधित यहाँ पर पूछे जा सकते हैं प्रश्नों को, जो बहुत बहुत ज़्यादा चर्चित होती है प्रश्न, जो बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछते हैं, एक नॉर्मल इक्वेशन में चलते हैं, जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, ठीक है। 24वें तीर्थकर कौन थे, ठीक है, इस तरीके से आपसे यहाँ पे पूछ सकता है जैन धर्म के। महावीर प्रसाद से संबंधित, महावीर से संबंधित यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे पूछ सकता है वो कौन से तीर्थकर थे, उनसे संबंधित प्रश्न यहाँ पर पूछ सकता है। बाकी बचपन का नाम भी कई बार पूछा जाता है कि सिद्धार्थ किसका नाम था बचपन का, इस तरीके से जो है प्रश्न तैयार किए जाते हैं। बाकी यहाँ पर पूछ सकता है आपके भारत में जो है भारत की खोज किसने की थी, ठीक है, वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में। इसी तरीके से आप पूछ सकता है कि अमेरिका की खोज किसने की थी, ये चीज़ें मुझे जो याद है वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी प्रस्तावना से संबंधित भी कई प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रस्तावनों में क्या है कि जैसे समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो उस तरीके से यहाँ पे पूछे जा सकती हैं। जैसे मुझे प्रस्तावना याद है, ठीक है, तो मुझे प्रस्तावना याद है तो उसे कई प्रश्न जो है सॉल्व किए जा सकते हैं संविधान से संबंधित, ठीक है, ठीक है, वो आपको पता ही होगा। इस तरीके से संविधान लागू कब किया गया था, 19 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, इस तरीके से प्रस्तावना की यानी प्रीएम्बल की लास्ट लाइन है ये, इस तरीके से आपको यहाँ पे बताया गया है विद द पीपल ऑफ इंडिया, इस तरीके से हैविंग सोल मनी, इस तरीके से आपको यहाँ पे ये चीज़ें आपको याद रख लेनी है। तो बहुत बेसिक चीज़ें से आपको याद रखनी है, ऐसे पूछ सकता है कि आप भारत का पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पहले राष्ट्रपति कौन थे, ठीक है। आपातकाल की घोषणा भारत में कितनी बार लगाई जा चुकी है, इंदिरा गांधी जो जिनकी सरकार थी 1971 से संबंधित यहाँ पे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। या फिर ये भी पूछ सकता है कि भारत और चीन का युद्ध कब हुआ था, भारत और पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ था, ठीक है, इस तरीके से आपसे पूछ सकता है। बाकी ये भी पूछ सकता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, ठीक है, और भारत का उत्तरी बिंदु क्या है, इस तरीके से पूछ सकता है। या फिर प्रधान मध्यमान रेखा जो है, या फिर आपसे पूछ सकता है कि मानक रेखा जो है वो भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है, तो भारत के नैनी, इलाहाबाद में नैनी से होकर गुजरती है। और ग्रीनविच रेखा जो है कितने घंटे आगे है हमारा, तो 5.5 घंटे आगे है, ठीक है, इस तरीके से प्रश्न को तैयार किया जा सकता है। बाकी पूछ सकता है कि राजधानियों से संबंधित भी कई बार प्रश्न देखे गए हैं, जैसे आंध्र प्रदेश की हैदराबाद राजधानी हो गई, असम का दिसपुर हो गया, ठीक है, मध्य प्रदेश का भोपाल हो गया, पंजाब का चंडीगढ़ और हरियाणा का भी चंडीगढ़, ठीक है, तो दो राज्यों की एक राजधानी है, इस तरीके से भी पूछ सकता है। बाकी केरल की तिरुवनंतपुरम हो गया, ठीक है, इस तरीके से जो है प्रश्न तो है तैयार किए जाते हैं। साथ ही साथ में कुछ करेंसी, जैसे कि जापान की करेंसी क्या है, चाइना की करेंसी क्या है, ठीक है, इनसे संबंधित यहाँ पे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बाकी अगर आप याद रखना चाहेंगे तो भूमध्य रेखा यहाँ पे संबंधित यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न एक दो प्रश्न यहाँ पे आते हैं जो कि एक्सपेक्ट किया जाता था कि आ सकते हैं, ठीक है। बाकी बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना कि काला सागर की कौन कौन से देश को टच करता है, भूमध्य रेखा भूमध्य सागर किस देश को टच करता है, टर्की, या फिर इस तरीके से आपको बिल्कुल नहीं पढ़ाई करनी है, बहुत बेसिक चीज़ें पढ़नी है, दिमाग पे फोर्स बिल्कुल नहीं डालना है, जो बेसिक चीज़ें होती है वही चीज़ें आपको यहाँ पे रिपीट करनी है, ठीक है। बाकी इसके अंतर्गत मैं बात करूं तो आई थिंक यहाँ पे अधिकतर जो है मैंने कवर कर दिया है। समाना घास मैदान कहाँ पर पाया जाता है, ठीक है, पंपास जो घास मैदान है वो कहाँ पर पाया जाता है, ठीक है, इस तरीके से आपको जो है प्रश्न तैयार किए जाते हैं, ज्योग्राफी का ये सेगमेंट है। और मैं बात करूं कि ये चीज़ें हो गई हमारी जीके और जीएस की संबंधित हो गई। अब पीएच मान से भी संबंधित कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि जो अम्ल होता है वो उस पीएच मान स्केल कितना होता है, ठीक है, जो क्षार होता है उसका पीएच मान स्केल कितना होता है, जैसे 0 से 7 हो गया, फिर 7 पे क्या होता है, उदासीन होता है, फिर 7 से 14 जो है क्या होता है, क्षार होता है। तो एसिड और बेसिक से संबंधित, बेस से संबंधित जहाँ पर प्रश्न तैयार किए जाते हैं कई बार,
तो इनसे संबंधित प्रश्नों को एक बार आप यहाँ पे देख लीजिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और इन्हीं पैटर्नों के आधारित पर प्रश्न जो है बार बार रिपीट होते हैं, ये प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको ध्यान रखिएगा और इसी को चीज़ को यहाँ पे आप पढ़ के जाएंगे तो बड़े आसानी से पेपर जो है सॉल्व हो जाएगा। बाकी अगर हिंदी का भी याद करते हैं तो व्याकरण के जो संबंधित यहाँ पे मैंने जो 300 प्रश्न करवाए हैं या फिर जीके के जो 1000 प्रश्न करवाए हैं उनको आप अगर यहाँ पे देख लेते हैं तो मोर देन सफिशियंट होगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी इसके बाहर आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। बहुत बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ाई करनी है। बाकी जो मैंने बताया है कि आप वहाँ पे लिंक खोलिए, इसके बाद उसको 10 मिनट का प्रोसेस है उसको कीजिए, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे अवेलेबल करा दी जाएंगी। इस चीज़ को आपको यहाँ पे ध्यान देना है। बाकी भाई मैं बात करूं कि रीजनिंग से संबंधित प्रश्न क्या, देखिए लेवल क्या है कि UGT और PGT का लेवल जो है सेम होता है, ठीक है। प्रश्न बहुत ज़्यादा हाईएस्ट या फिर लोवेस्ट नहीं पूछा जाता, सेम प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि एक ग्रेजुएट लेवल पर जो विद्यार्थी है वो किस तरीके से प्रश्न को सॉल्व करता है, टैकल करता है, या फिर 12th पास स्टूडेंट जो है वही सेम चीज़ें यहाँ पर एक्सपेक्ट की जाती है। वहीं मैं बात करूं कि रीजनिंग से प्रश्न क्या पूछे जाते हैं, तो रीजनिंग से प्रश्न जो है महत्वपूर्ण प्रश्न जो है 25 महत्वपूर्ण ज़्यादा 25 प्रश्न पूछे जाते हैं और 25 प्रश्नों के लिए आपका 50 नंबर यहाँ पे अलॉट होता है। और यहाँ पे जो प्रश्नों की जो मैं बात करूं कि एक लेवल जो होता है, तो प्रश्नों का जो लेवल बहुत ईजी लेवल होता है, मॉडरेट भी मैं नहीं कहूँगा। जैसे कि आपको जो है ए से लेकर जेड तक जो है सभी का क्रमांक याद रख लेना है कि क्या क्रमांक है, जैसे ए का A1 है, बी का 2 है। तो मैंने इसके लिए ट्रिक भी बताया था, IGOT करके कैफिलोरॉक्स करके 3, 6, 9, 12, 13, 12, 15, 17, 12, 18, 21 इस तरीके से आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। कैफिलोरॉक्स, ठीक है, एक दवाई का नाम जो कि मैंने सॉल्व कराया है, इस तरीके से आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। उस तरीके से प्रश्न क्या आते हैं, इसमें एक ब्लड रिलेशन का आता है, ब्लड रिलेशन के लिए भी मैंने सॉल्व कराने के लिए कहा था कि सिंपल सी, बहुत ही सिंपली आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। जैसे कि आपसे पूछ लेगा एक जनरेशन के सभी जितने हैं, ठीक है, मान लीजिए कि ये हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ हो गए और इनके ये क्या हो गए, पिताजी हो गए, ठीक है। अगर हस्बैंड के पिताजी हैं तो क्या लगेंगे, अंकल और आंटी, ठीक है, और इधर क्या लगेंगे, अंकल और आंटी, ये है। मान लीजिए कि इनका एक बच्चा है, ठीक है, इनका बच्चा है वाई, ठीक है, तो ये क्या हो गए, इसके माता पिता। अब ये माता पिता हैं, इसके पिता से संबंधित जितने भी यहाँ पर रिलेशन होते हैं वो अंकल आंटी होते हैं, ठीक है। अब अंकल आंटी का बहन भाई जो भी तरीके हों सब क्या होते हैं, अंकल आंटी होते हैं, ठीक। अब यहाँ पर वाइफ से संबंधित क्या होता है, तो हमने बताया था कि यहाँ पर वाइफ से संबंधित क्या होता है, मैटरनल, जिसे कहते हैं मैटरनल रिलेशन, यानी माँ से संबंधित जो रिलेशन होते हैं उसे क्या कहते हैं, मामा मामी, मामा मामी मौसी, ठीक है, मामा मामी मौसी, इस तरीके से आप यहाँ पे, यानी आपके मम्मी के भाई की पत्नी क्या हुई, आपकी मामी हो गई, आपके भाई की, आपके मम्मी की भाई की बहन आपकी क्या हो गई, मौसी हो गई। यहीं इस तरीके से पूछ लेगा कि आपके माँ की, आपके माँ का इकलौता भाई, इकलौते भाई की इकलौती बहन आपकी क्या लगेगी, इकलौती बहन है तो वो मेरी माँ ही लगेगी। तो यहाँ पे इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं आपको जाना है, इसको यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ये लेवल होता है पहला प्रश्न का। दूसरा क्या होता है, दूसरा मैं बात करूँ अगर, तो दूसरा इससे संबंधित क्या प्रश्न पूछे जाते हैं कि पूछ दे देगा कि ए बी फिर डी, इस तरीके से फिर या इस तरीके से देगा रिलेशन। अब आपको यहाँ पे क्या रखना है, सिर्फ एक ही रिलेशन यहाँ पे साबित होता है कि सबसे पहले उनका आप अनुक्रमांक ले दीजिए 1, 2, 4, 5, जो यहाँ पर रिलेशन फॉलो कर रहा है वो अगले पैटर्न पर भी फॉलो होना चाहिए, ठीक है। जो यहाँ पर गिनती आ रही है उसी तरीके से आप वहाँ पर दूसरा रिलेशन भी साबित करेंगे, ठीक है। इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप यहाँ पर पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि आपको दे देगा कि मान लीजिए कि यहाँ पे दे दिया 2, फिर दे दिया 4, फिर दे दिया 8, फिर दे दिया 16, तो इसमें पैटर्न फॉलो किया रहा, 2 × 4 × 8 × 16, ठीक है, इस तरीके से दे देगा। मैंने बताया था इसके लिए भी पैटर्न एक होता है एन स्क्वायर। एन स्क्वायर मतलब क्या होता है, जैसे दे देगा 2, फिर दे देगा, फिर क्या दे देगा, एन स्क्वायर मतलब किसी एक संख्या का स्क्वायर होता चला जाएगा, फिर क्या हो जाएगा कि एक दे देगा, मान लीजिए एक दे दिया, फिर क्या दे देगा, 4 दे देगा, फिर 9 दे देगा, फिर 16 दे देगा। तो इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे 1, 4, 9 कैसे आ गया। तो देखिए अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्या आता है, कई बार क्या संख्या दी होती है, जैसे मान लीजिए 1 दे दिया, फिर दे देगा 3 दे देगा, फिर 5 दे देगा, फिर 7 दे देगा, इसमें क्या हो रहा है, 2 जोड़ा जा रहा है, ठीक है, 2 जोड़ा जा रहा है। अगर किसी क्रमांक में अगर संख्या बढ़ती है और उसमें कुछ संख्या का अंतर होता है, ठीक है, यानी बढ़ती जाती है तो उसमें कुछ जोड़ा जा रहा है, और घटती जाती हैं छोटे छोटे संख्याओं में तो क्या हो रहा है कि वो घटाया जा रहा है। मान लीजिए कि इस तरीके से दे दिया जाए कि पहली संख्या 2 दी जाए, फिर 16 दे दिया जाए, फिर इस तरीके से बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ रही है तो वो गुणा हो रहा है, ठीक है। तीसरा, चौथा क्या होता है कि इसमें भाग से संबंधित दे सकता है, यानी पहले आपको दे देगा 125 दे देगा, फिर दे देगा 25 दे देगा, फिर 5 दे देगा, तो रिलेशन आपको निकालना है, तो इसमें क्या हो रहा है, एक उल्टा रिलेशन चल रहा है, ठीक है, 125 हो गया, इसका रिलेशन हो जाएगा 25 × 5 = 125,
ठीक, इस तरीके से फिर 50-25 फिर 5×5 इस तरीके से रिलेशन जो है फॉलो कर रहा है। अगला रिलेशन क्या होता है एन स्क्वायर का, ठीक है। एन स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, एक दे देगा फिर आपको दे देगा, चार दे देगा फिर दे देगा, नौ दे देगा। तो इसमें क्या हो रहा है, एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर अगला संख्या आपसे पूछ लेगा, तीन का स्क्वायर अगला संख्या क्या हो जाएगी, चार का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। और कई बार क्या पूछा जाता है, एन स्क्वायर माइनस वन, ठीक, एन स्क्वायर प्लस वन, ठीक, एन स्क्वायर प्लस एन, एन स्क्वायर माइनस एन, यही पांच रिलेशन होते हैं, इसके बाहर बिल्कुल भी प्रश्न नहीं आता है। एन स्क्वायर मतलब कोई स्पेसिफिक नंबर है जिसमें से एक घट रहा है, ठीक है। एन स्क्वायर प्लस कोई स्पेसिफिक नंबर है जिसमें एक जुड़ता जा रहा है। एन स्क्वायर कोई स्पेसिफिक नंबर है जिसमें एन ही संख्या जुड़ी जा रही है। मान लीजिए कि दो का स्क्वायर प्लस दो, ठीक, मतलब दो दूनी चार, चार तीन, चार दूनी छः, इस तरीके से छः दे देगा पहली संख्या, फिर क्या दे देगा यहाँ पे तीन, अगली संख्या जो है तीन हो जाएगी, तीन त्रिक्का नौ प्लस तीन यानी नौ तीन बारह, इस तरीके से जो दे देगा। फिर यहाँ पे यहाँ उल्टा रिलेशन, इस तरीके से आप यहाँ पे पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया होता है। बाकी एक रिलेशन का देता है कि जिस तरीके से पेड़ जो है वो जड़ से संबंधित है उसी तरीके से अध्यापक किससे संबंधित है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको जो है प्रश्न दे दिया जाता है, उसमें आपको रिलेशन निकालना होता है, बाकी बहुत ज़्यादा डेप्थ में आपको नहीं जाना होता है। यही सिंपल चीज़ें हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और बार बार यही प्रश्न जो है वो रिपीट होते हैं, ठीक। इस तरीके से आप यहाँ पे इसको प्रश्न को याद कर सकते हैं। आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। देखिए इस तरीके से जो है प्रश्न है कि विषाणु चेचक संबंधित है, तो जीवाणु किससे संबंधित है, ठीक है, घर रसोई से संबंधित है, इस तरीके से आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा। बाकी आपका यहाँ पे कई बार कैलेंडर से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। कैलेंडर से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछ लिया गया कि 2 जुलाई 2012 को सोमवार था, तो बताइए 18 जुलाई 2012 को कौन सा डे होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि संख्या कितनी बढ़ रही है, फिर आपको याद रखना है कि जितनी भी संख्या बढ़े उसे साइज से डिवाइड कर लीजिए, और जो संख्या आती है, जो मान लीजिए कि इसको भाग देने के बाद दो बचा, अब क्या होगा, दो बचा यानी मंडे और ट्यूसडे, यानी ट्यूसडे होगा, ठीक है। तीन बचता है तो मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे यानी बुधवार होगा। इस तरीके से आप यहाँ पे पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। यही चीज़ें होती हैं, बार बार रिपीट होती हैं, जो इसके बाहर नहीं आने वाला है, इसको आप यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है। तो मैंने सिंगल वीडियो में काफ़ी कुछ चीज़ें जो है कवर अप करने की कोशिश की है, जो क्राइटेरिया होता है यही चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है, बाकी इसके बाहर बिल्कुल नहीं आने वाला है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं, डेफिनेटली आज रात के 12 बजे तक आपके पास वक्त है, ठीक है। अगर आप लॉग इन कर लेते हैं तो सक्सेसफुली डेफिनेटली मैं सपोर्ट करूँगा और सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है, अपने चैनल के माध्यम से। टेलीग्राम है, उसको लिंक ज्वाइन कीजिए, डिस्कशन कीजिए, जो भी है, ठीक है, साथ ही में करेंगे तैयारी और हो जाएगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस।